and let us move to the one more session so we are joined by professor ashfaq ahmed the head of the department of department of arabic studies in banaras hindu university and for the first time he has initiated the admission of madrasa students in banaras hindu university so indeed it's a great pleasure to have you sir and uh, please take over the session dr abdul qadir Shah. वेरी रिस्पेक्टेड समीर साहब हैज बीन मोटिवेटिंग अस फॉर ए लॉन्ग टाइम इन डिफरेंट वेल्स एंड डिफरेंट टॉपिक्स मैं आज मेरी बात को थोड़ी और तकबीयत मिली है समीर भाई के प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे मैं इनको कई बार आ, सुनता रहा हूँ YouTube पे मैं जो बातें आपसे करना चाह रहा था उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन मैं करूँगा इसलिए कि हम दोनों से पहले जो तीन बयान यहाँ हुए हैं जो पाव, आ, पावर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या ऐसी तकरीर हुई है वो निसब तालीम से मुतल है लिहाजा मैं उससे तफसील से बात नहीं करूँगा लेकिन चूँकि समीर साहब और ये तीनों हजरात की जो बातें यहाँ मैंने सुनी हैं उससे मुझे मेरी बात को तकबीयत पहुँची है इस वजह से मैं थोड़ा उसमें मॉडिफ़ाई करूँगा निसाब तालीम जब सत्रहवीं सदी और अठारवी सदी में कुतुबुद्दीन या मुल्ला निज़ामुद्दीन सिहालवी सिहाला एक जगह है लखनऊ के बगल में तैयार की थी वो उस वक्त तो बेहतर था औरंगज़ेब का ज़माना था या उसके बाद का मोहम्मद अली रंगीला वग़ैरह का ज़माना था वो मुस्लिम दौर का अख्ताम हो रहा था ख़ात्मा हो रहा था एक तरह से उसकी क़ुव्वत जा रही थी लेकिन मुसलमान इस जाती हुई क़त का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे वो सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स में मुबला थे आज भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कई हजरात आपको मिल जाएंगे कि वो सोलहवीं सदी और सातवीं सातवीं सदी में जीते हैं उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है बहरहाल उस वक्त तो निज़ाम तालीम या निसाब तालीम बना था वो भी मुकम्मल नहीं था लेकिन उसके बाद जो इसके इस पर छेड़छाड़ इसके साथ हुआ वो बेहतर नहीं था बजाय इसके के कई हजरत बोल गए इबिन सीना से लेकर खवारिज़ शरीफ कई और हजरत जो हम तारीख़ में पढ़ते हैं के मदरसे के प्रोडक्ट थे और इतने बड़े बड़े काम वो कर गए बात सही है लेकिन ये सिलेबस नहीं था मेरे भाई किसी भी हाल में ये सिलेबस नहीं था वो सिलेबस एक मुकम्मल निसाब तालीम था और जिसमें ये तफरीक नहीं की गई थी कि कौन नाउजिल्ला दुनियावी तालीम है और दीनी तालीम है इट वॉज़ बिग फ्रॉड डन टू द मुस्लिम कम्युनिटी एटलीस्ट द मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ इंडिया यहाँ के जो मुसलमान कौम है उनके साथ नासाफियाँ की गई उस वक्त कि ये दीनी तालीम है और ये दुनियावी तालीम है असरी तालीम और दीनी तालीम तो मक़ूल बात है समझने वाली बात है लेकिन पता नहीं कहाँ से सिलेबस डिज़ाइन करने वालों ने दुनियावी तालीम ढूँढ निकाले ये दुनियावी तालीम है और इस सिलेबस को जैसे जैसे रिवाइज़ किया गया और दारुलम देवद ने उन्नीस सौ में जब इसको अडॉप्ट किया तो जाहिर है उसमें तब्दीलियाँ हुई कुछ नई चीज़ें लाई गई लेकिन नई चीज़ों में ऐसी ऐसी चीज़ें डाली गई जो यूरोप में सदियों साल पहले पढ़ाई जाती थी उन चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया लेकिन जो मॉडर्न अभी जो उस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरतें थी उन चीज़ों को खारिज कर दिया गया चार सौ साल 500 सौ साल छः सौ चाल की फिलासफी पढ़ाना तो प्राउडली हम कहते थे कि हम फिलासफी पढ़ाते हैं हम लॉजिक पढ़ाते हैं हम रीजनिंग पढ़ाते हैं लेकिन वो फरसुदा हो चुके थे उनकी उसका रिलेवेंस नहीं बचा था लेकिन इसमें दाखिल किया गया और उसको तकदस की निगाह से देखा गया गोया कि अगर इस निजाम तालीम से छेड़छाड़ किया गया तो इस्लाम का नाउजिला कोई पार्ट कोई कोई जुज कमजोर पड़ जाएगा इस तरह से उसकी तकदीस की गई फिर ये आगे बढ़ता गया कई मदरसे कायम हो गए लेकिन जो दारुलूम देवर ने जो मदरसा जो निज़ाम तालीम इसका एडोपेशन किया मंजूर किया वो तकरीबन पूरे हिंदुस्तान में फैल गया एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश और इस पर प्राउडली कहा गया कि इसके मुतबाद कुछ हो नहीं सकता और ये जो अकाबरीन सिंगल इनवाटेड कॉमा में अकाबरीन की एक तबीर निकाली गई गोया के अकाबरी नहीं बल्कि कुरान की कोई आ कोई आयत हो या हदीस सही हदीस का कोई टुकड़ा हो इसी वजह से इन्हीं तरह के अल्काब की वजह से दकीानुशी हमारे अंदर आई हमें इस ज़माने में अगर जीना है तो इस ज़माने की फिक्रों को भी लेना है इसी ज़माने में जीना है हर एतबार से ठीक है बुनियाद हमारी वहाँ है कुरान और हदीस दो चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब तक ये दो चीज़ें आप को पकड़े रहेंगे आप गुमराह नहीं होंगे लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सारी तहकीकात सारी रिसर्च उसी वक्त इन हदीस और कुरान में हो चुकी थी और उसके बाद हम गोया के हमारे हमारा दिमाग मफलूज हो चुका है परिल्स, परिल्स हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं है निशाम तालीम की बात करते हैं डॉक्टर गाजी साहब ने बड़ी अच्छी बातें कहीं उस पर मैं मज़ीद ये कहूँगा कि साहब यही काफ़ी नहीं है कि ये निसाब में दारालमुम देवबंद हो दारालमुम नद्वालमा हो या मज़ाहूम हो या कोई भी और हो उसमें कुछ मादों का इजाफ़ा आप कर दें और सिलेबस मुकम्मल हो गया ऐसा नहीं है आप बर करम मदारस वाले ये समझें जैसे मिस्टर समीर साहब ने अब पॉइंट आउट किया लाखों मदरसे आपके बंद हो सकते हैं बंद होने के कगार में हैं। बड़ी अंदाज में हम लोग लिखते हैं कि मदरसे हमारे किले हैं दीनी किले हैं ये किले अगर ना बचाया जा सके तो दीन नहीं बचेगा गोया के जब ये मदरसे नहीं थे तब मदरसे का बचने का दारो मदार उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में बनने वाले मदारिस पे उन्होंने कर रखा था बहरहाल अगर आप किले कहते हैं इनको तो किलों का जमाना खत्म हो चुका है आपको यह भी समझना चाहिए किले का जमाना नहीं है आप किलों की वजह से आप नहीं बच सकते लेकिन अगर आप मानते भी हैं इसरार है आपको उस पर कि नहीं ये किले हैं हमारे बहुत सही इस क़िले को तरमीम इसकी जरूरत ज़रूरी है अगर आप बिलफ़ौर अलफ़ौर इसकी तरमीम नहीं करते हैं तो ये किले या तो ढह जाएंगे या ढहा दिए जाएंगे जैसे इन्होंने पॉइंट आउट किया अभी कहा जा रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक एक माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का डाटा है कि लगभग तीन लाख मदरसे हैं हिंदुस्तान में कहाँ तक सही है क्या सर्वे है नहीं मालूम और इस पर पास आउट तीन करोड़ स्टूडेंट्स हैं ये जो कफीर तादाद में आप देख रहे हैं अजीम तादाद है ड्रॉप पास आउट्स की जो फारगन है जो वहाँ के ग्रेजुएट्स हैं ये ग्रेजुएट ऐसा ना हो कि उनकी तादाद वहीं पे रुक जाए बहुत खतरात हैं आपके और हमारे मदरसों पर तो किले बना के आप किलों के अंदर जो महसूर हो गए हैं आप झांक के भी नहीं देखते हैं इतनी मजबूती से उसको बना दिया है अपनी फिक्री किले जो आपके हैं जो बंद है मुंजबिद हो चुकी हैं फिक्रें आपकी उन फिक्रों के किले को खोलिए दरवाजे खोलिए उसमें बनाइए झांक के देखिए वरना काफी देर हो चुकी होगी एक पॉइंट और जो आपसे शेयर करना चाहता हूं मदर्सों में हिंदुस्तान के मदरसों में रिसर्च की मफह आज तक नहीं समझा गया रिसर्च कहते किसे हैं? इनको नहीं मालूम या ना मालूम होने का इतजाहुल कर रहे हैं जान बूझ के ये बावर करा रहे हैं कि हमें रिसर्च का मतलब मालूम नहीं है रिसर्च का मतलब ये समझते हैं तखसुस फिल अदब तखसुस हदीस तखसफ़ अरे भाई फ़िल अदब में अरबी अदब का एक स्टूडेंट हूँ फ़िल अदब की बात करें एक हज़ार इसमें अज़ा निकाले जा सकते हैं एक हज़ार एक हज़ार अज़ज़ा हर जज्व पे, पे पी एच डी हो सकती है और आप ये कह रहे हैं कि तखसदब काफ़ी है दो साल अलग से पढ़ लिया आपने तखसस हो गया ये तखस नहीं है अपने आप को मुगालत में मगालत में रखने की बात है उसमें आप इस मुगालत में पढ़ इस के इस्टूडेंट्स के मुस्तबिल को बर्बाद कर रहे हैं आप तहकीक का काम शुरू करें अगर आप कहते हैं क़्यामत तक इस्लाम रहना है और मुस्लिम उम्मा को क़ियादत करना है क़्यामत तक तो आपको उसी तरह से बिहेव करना है सलूक भी आपका ऐसा ही हो दक्या नूसी आपके अगर आ, 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 फिक्र नजर है तो आप क़्यादत तो क्या आप सब कुछ मफकूज कर चुके होंगे बहुत जल्द निसाब तालीम बनाने की बात जो होती है उसमें दो तीन बातें और कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा निसब तालीम में एक बात हमने देखी है पिछले बीस साल से मैं आ, 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 पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहा हूँ काफ़ी मदरसों में गया कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ तो हम जाते ही हैं उसमें देखें एक विश्वास की कमी है हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लोग आईएएस आईपीएस के लोग जिसको आप कहते हैं रोशन ख्याल लोग और मदरसे में जो पाए जाते हैं उनके बारे में हम में से कुछ लोगों का ख्याल बहुत मुतजाद हैं हम आपको कई तरह से बैकवर्ड और हर हर एतबार से फिक्री तनाजुली के शिकार लोग पा पाते हैं हम में से कई लोग ऐसे समझते हैं लेकिन मदरसे के अक्सर लोग ये समझते हैं कि ये तो खैर यहाँ से निकल गया एक मदरसे डेली मेरे साथ ये होता है मेरे जो स्टूडेंट्स आते हैं बेशतर मदरसे से आते हैं और आके उनको उनके उस कहते हैं कि तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया गया था तुमने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो आपका दिन पूरा ख़तरे में है आपने अच्छा नहीं किया गोया के वही जो दुनियावी तालीम और दीनी तालीम अरबी अगर जामिया सलफिया बनारस में आप पढ़ें तो कहते जन्नत की जबान है अजीब बेढोंगी वो जन्नत की जबान है लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वही अरबी पढ़ें तो आप दुनियादार हैं आपको ये दुनियादारी नहीं करनी चाहिए और मेरे कई स्टूडेंट्स को अपने उस जब मिलने गए तो उन्होंने ऐसे पीठ कर ली ये तो बिगड़ा हुआ इंसान है तो ये जो खाई है जो खला है जो गैप है हम दोनों में उस गैप को मर्ज करने की जरूरत है उसको खत्म करने की ज़रूरत है निसब तालीम जो मदरसे के बनाने की बात कर रहे हैं आप हमें भी शामिल करिए एक्सपर्ट्स को शामिल करने इस फन में जो महारत जो रखते हैं उन हजरत को शामिल कर आप ही रिसर्चर हैं और आप ही सब कुछ हैं और जैसे कई भाइयों ने बताया कि अजीब अजीब तमाशा है कि आप मीज़ा मुंनशाब पढ़ाएंगे अरबी जबान कैसे सीखेंगे ग्रामर कैसे उसके आपको आए उसके लिए आप फारसी में किताबें पढ़ रहे हैं और वो किताबें स्टाइल्स और उसके जो पैटर्नस हैं वो फरसुदा हो चुके हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं लेकिन आपको जिद है कि वो 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 किताबें गोया कि तकद्दस के, के काबिल हैं तकदीस के काबिल हैं उससे आप आ, 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 किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे एक बात और यह है कि यूनिवर्सिटीज़ में क़ालाबा को भेजने का की, के, की, का, की जो राय है उलमा के मदरसे के अहले मदारस मैं 2019 से बड़ी कोशिशें कर रहा था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कि अरबी मदरसों का इलाहा हो और यहाँ पे भी अरबी पढ़ने के लिए आ, मदरसे के फारगन आए कई हजरात से मैंने बात की उन्होंने यही जवाब दिया कि हम इस वजह से नहीं पढ़ाते हैं। मेरी गुजारिश सिर्फ ये थी कि आप एप्लीकेशंस प्लीज़ दे दीजिए बाकी काम मैं यहाँ करूँगा एप्लीकेशंस नहीं आई लेकिन ताहि, मौलाना ताहिर मदनी जैसे दो चार लोग छः लोग मुझे मिले इस बार जो उन्होंने अप्लीकेशन दी और यूनिवर्सिटी ने एक मिनट का की देर नहीं की एक ही मदरसे को जामियतुल फला गंज आज़मगढ़ को सैंपल बना के उन तमाम मदर मदारस को रिकगनाइज कर लिया जो जिनका रिकग्नेशन जामिया मिलिया इस्लामिया करता है तो ये आप कहते हैं कि यूनिवर्सिटी वाले हम पे ध्यान नहीं देते या किस तरह की बातें आप गढ़ लेते हैं कई बार बैठ बैठ के ये बातें सच्ची नहीं है हमें कोशिश करनी चाहिए अगर उस पर नाकाम हुए तब हम अपनी बात कर सकते हैं तब भी हमको रुकना नहीं है मेहनत जारी रखा है जारी रखना है कई मदरसों में वो जो मैंने कहा कि फिक, फिक्र को बदलने की ज़रूरत है कि आप बोझ हिंदुस्तान पे एक बोझ या समाज पे एक बोझ पैदा नहीं कर रहे हैं बल्कि उसकी एम्प्लाइबिलिटी उसकी मुलाजमत आपका जो फारिग है कोई तालब इल्म या तलबा तो उस फारग होने के बाद उसकी मुलाजमत कैसे उसके बारे में भी सोचना चाहिए सोचने के लिए मदारस में काउंसिलिंग भी होनी चाहिए काउंसलिंग में बताया जाए कि आपके पास यही स्कोप है आपके पास ये स्कोप है लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी को कई लोग बहुत व्यू चेंज हुआ है अल्लाह का शुक्र है बहुत चेंज हुआ है लेकिन इसके बावजूद कई लोग अगर ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी जाने से ईमान ख़राब होगा तो काउंसलिंग तो करवा ही नहीं सकते वो तो गलत बात है दुनियावी चीज़ है अगर हम जॉब की बात करें तो जॉब में आप टेक्निकल एजुकेशन होटल मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल मैनेजमेंट टूरिज्म, इंटरप्रटेशन ट्रांसलेशन कंप्यूटर कोर्सेस, आई में आई में कई तरह के आपके आप आपको ट्रेनिंग मिल सकती है जिसके बुनियाद पर मरसे के फारगन को जॉब मिल सकता है अरबी चूँकि मैं अरबी जबान अदब से जुड़ा हुआ हूँ अरबी की अगर बात करें तो अरबी चाइनीज़ और इस्पेनिश के बाद मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो जबान आज नौकरी दे रही है जबानों की बात करें तो वो अरबी जबान है अरबी जबान में अगर आपको कुदरत है जबान में अदब की बात नहीं कर रहा हूँ जबान पे किसी साहब ने अभी कहा कि आठ साल दस साल बारह साल पंद्रह साल पढ़ने के बाद मदरसे में अरबी 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 लेकिन अरबी नहीं आती भाई बिल्कुल इतफाक करता हूँ जब स्टूडेंट्स आते हैं वहां से तो गोया के हम कई बार अली पास करते हैं यह मैार होता है अक्सर लोगों का तो आपको पे हो, और साथ साथ आप अंग्रेजी खूब अच्छी जानते हो चाइनीज की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि चाइनीज की तरफ इनका सजेशन माना जाना चाहिए मेरे एक रिश्तेदार जुड़े हुए हैं चाइनीज से लगता है कि दुनिया पूरी की पूरी शिफ्ट हो रही है चाइना की तरफ हम जल्दी सोच नहीं पाते अरबी जबान में आप कुदरत हासिल करिए और उसके बाद बहुत अच्छी अंग्रेज़ी आपकी होनी चाहिए जॉब की कोई गारंटी नहीं आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि इस कोरोना में दो साल में जब नौकरियां करोड़ों तादाद में करोड़ों की तादाद में गई हैं अरबी वाले को जॉब मिलता रहा है इसी हिंदुस्तान में चाहे वो प्राइवेट कंपनीज़ में हो चाहे गवर्नमेंट इंडिया के कई मिनिस्ट्रीज़ में हो प्राइवेट कंपनीज़ में हमारे जो जॉब शुरू होता है अरबी जानने वाले का वो पैंतालीस हज़ार से ऊपर तीन लाख चार लाख पाँच पाँच लाख तक पर मंथ की सैलरी में अरबी के लोग जाते हैं कतर जाइए कोत जाइए इस हिंदुस्तान में दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह में जाइए अच्छी तनख्वाहों में आपको जॉब मिल सकता है फॉरेन मिनिस्ट्री में हो होम होम मिनिस्ट्री में हो चाहे आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में हो या लेबर मिनिस्ट्री में हो मुख्त मिनिस्ट्रीज में काफ़ी तादाद में जॉबें अवेलेबल हैं मुलाजमतें अवेलेबल हैं हमें करना क्या है आप पहले तो हमको ये फिक्र हमारी फ़िक्र बदलना है कि हमको यूनिवर्सिटी में भी बच्चों को भेजना है कॉलेज में भेजना है और दूसरी बात जब ये आपकी फिक्र हो जाए उसके बाद आप उनकी काउंसिलिंग करें और मैं बता रहा हूँ मुझे खुद बहुत ज़्यादा ताज़ुब हुआ कि यूनिवर्सिटी मेरी यूनिवर्सिटी ने बताया था कि इतनी कमेटीज़ के ये एप्लीकेशन गुजरेंगी तब जाके उसका इलाहा होगा या एक्सेप्ट होगा या वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होंगी लेकिन दस दिन के अंदर जामिया जामियतलफला की एप्लीकेशन आई दस दिनों के अंदर मुझे खुद पता नहीं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक रिकगनाइज कर लिया था इलाहा कर लिया था तो यूनिवर्सिटीज़ का दिल खुला है दरवाजे खुले हैं हमको अपना व्यू पॉइंट चेंज करना है मैंटलिटी चेंज करनी है और इसमें आ, 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 शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं इस तरह से और कई हजरा वाले जो नए मदरसे के फ़ारीन हैं उन्होंने भी कई इंस्टीट्यूट खोले हैं बड़ी बड़ी खुशियाँ होती हैं बड़ी खुशी होती है जब उनकी बातें मैं सुनता हूँ या उनके बारे में पढ़ता हूँ या देखता हूँ मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी आ, 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 अपना लेक्चर खत्म कर रहा हूँ मैं उस उम्मीद के साथ कि आप मेरी बातों को शर सदर के साथ लेंगे ओपन माइंड हो के आप सोचेंगे और इन बातों पे कहीं ना कहीं से अमल करने की या करवाने की कोशिश करेंगे सिलेबस हमारा अस, असल और सिला है हथियार है अगर आप हथियार घोड़े पे सवारी घोड़सवारी करके तीर अंदाजी करके आज अगर बैटल फील्ड में कामयाबी हासिल करने करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा मुगालत में इंसान रह नहीं सकता इससे ज़्यादा मगालता नहीं हो सकता आज उन्हीं हथियार से लड़ाई करनी है जिन हथियार से लड़ाई करने से आपको कामयाबी मिल सकती है और अगर तालीम की बात करें मदारस की बात करें तो आपको उसी उसी तरह एक निज़ाम तालीम या नाब तलीम या सिलेबस तैयार करना चाहिए जो हर तरह से आ, मुकम्मल हो आज के जो असरी तकाज़े हैं ज़िंदगी के तकाज़े हैं उनको पूरा करते आ, करता हो वो सिलेबस और आ, आ, उस सिलेबस से पढ़ने वाले और पढ़ कर निकलने वाले हर तरह से फिट हों दुनियावी और आखिरत की तालीम जो ये बात कही जाती है खुदारा इन इन तबीरत को आप तर्क करें नहीं जो 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 वाकयात हैं फिर फिर अदुलवाक़ जो चीज़ें हैं उन पर आप ध्यान दें और एक बात मैं फ़ाइनल बात यह कहूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के जो रूल रेगुलेशंस में हैं उसमें यह है यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के कि हर तीन साल में या पाँच साल में अपना सिलेबस आप रिवाइज करेंगे लेकिन मदरसे के सिलेबस की जब बात करते हैं तो आपको बताया सत्रहवीं सदी या आठवीं अठारहवीं सदी के सिलेबस और चेंजेज़ होते हैं माइनर चेंजेस होते हैं वो सिलेबस उसको चेंजेस कहना या रिवीजन रिवाइज सिलेबस कहना शायद मुश्किल है बहरहाल मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन ये दो दिन का जो एजुकेशन सबमिट रखा गया है इसका ख़ातिर ख़ा फ़ायदा होगा और माशरे को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा असल रहमतुल्लाह